उत्तर प्रदेश के रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने आजम खान को जेल भेजने को लेकर सरकार की नियत पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि आजम खान को बदले की भावना के लेकर जेल भेजा गया है, क्योंकि इस सरकार में जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे सरकार जेल भेज देती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। कल शिवपाल यादव अपनी रथ यात्रा के दौरान रामपुर पहुंचे थे। ये सत्ता का परिवर्तन जरूरी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो वादे किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। और जो भी हो रहा है, जो भी ये सरकार के खिलाफ बोल रहे, वो जेल में ठूंक दिए जाते हैं। इस सत्ता परिवर्तन शिवपाल जी, आज राजभर जी का सम्मेलन हो रहा था, छोटे दल इकट्ठे हो रहे थे, उसमें आप भी शामिल थे। नहीं, उसमें आज अब रामपुर है तो क्या कहेंगे? मुझे कोई सूचना नहीं, मुझसे कोई बात नहीं होगी। और हमारा रथ इधर चल रहा था शिव की ओर। शिवपाल जी, सेकुलर वोटों का जो बंटवारा होगा उसका फायदा किसको मिलेगा? हम प्रयास कर रहे हैं सभी सेकुलर पार्टियां, सभी समान विचारधारा की पार्टियां एक हो जाएं। और एक इसलिए चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने में आसानी होगी। समाजवादी पार्टी के आजम खान जेल में है, उनके लिए आप क्या करना, क्योंकि आपका बड़ा रोल रहा है उनके साथ रहे, तो आप क्या कहना चाहते हैं उनके लिए, उनकी इस लड़ाई में किस तरीके से आप साथ देंगे? देखिए, वैसे वो समाजवादी पार्टी में, हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तब भी हमने उनके पक्ष में बोला है, उनके साथ बदले की भावना से काम किया जा रहा है, बदले की भावना से काम किया जा रहा है। जो आप उनको अपनी पार्टी में लेने चाहेंगे क्या? बात चल रही है क्या कुछ इस तरीके की? आप बात करके बता देना मुझे, हाँ बात करके बता देना। क्योंकि आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? हाँ, हम तैयार। इस सत्ता परिवर्तन को किस तरीके से आप तब्दील करेंगे, किस तरीके से? आप अकेले हैं, आपके पास पार्टी का और मुलायम सिंह का भी आपका समर्थन नहीं? हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश की जनता है, किसान, गरीब, जितने भी हैं और जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं जो पेचित पड़े हुए हैं, सब मेरे साथ हैं। और देखिए, जहाँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी उन्हीं की सरकार बनेगी, इसलिए हम सबको समान विचारधारा के सेकुलर लोगों को, और हमने समाजवादी पार्टी से भी प्रयास किया है कि भाई ऐलान करें और भारतीय जनता पार्टी को हटाएं।